अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम टू माय चैनल एंड टू माय वीडियो. सो हियर आई एम गोना शेयर विथ यू माय डेली रूटीन, या फिर कह लें कि छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँगी मैं अपने डेली रूटीन का. तो ये है फ्राइडे के दिन का वीडियो, जहाँ पर घर पे अगेन कोई नहीं था, तो मेरे पास अच्छा मौका था. अगेन आई हैड माई फेवरेट फूड फॉर डिनर. नहीं, ये मैंने अकेले नहीं ख़त्म किया, ये दोनों, मेरा भाई भी था, सो वी बोथ फिनिश्ड दिस शॉर्मा. सो अगेन ये है संडे का वीडियो का क्लिप, जहाँ पर मैंने अम्मी को कहा था कि अम्मी ठंडी आ गई है, इट्स विंटर सीजन, और गाजर का हलवा नहीं बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो अम्मी ने ले आया बहुत सारा गाजर, इट वॉज़ अराउंड 1 kg ऑफ कैरेट्स, और इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश करके मुझे दे दिया है श्रेड करने के लिए. तो यार आई एम श्रेडिंग ऑल द कैरेट्स. वैसे बड़ी ही मुश्किल का काम है, मेरे हाथ दर्द करने लग गए. तो ये देखिए, सारे जो कैरेट्स है वो मैंने ग्रेट कर लिए हैं. उसके बाद इट वाज इवनिंग और था, मुझे अपना पापी पेट भरना था. आई मीन आई वाज सुपर हंग्री एंड आई हैड दिस बोल ऑफ अ फ्रूट. तो बस इसको ख़त्म करने के बाद हम जाएंगे किचन में डिनर बनाने के लिए. तो डिनर में हम बना रहे हैं मटर पनीर. तो उसकी रेसिपी जल्दी से शेयर कर दूँ, हमने ले लिया 1 medium size अनियन, 2 medium size के टमेटोज़ और 2 green chilies थी. इनको हमने फ्राई पैन पे थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया है, और जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे उसको ठंडा करके हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एंड वील मेक अ फाइन पेस्ट आउट ऑफ इट. दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक. उसके बाद कढ़ाई में ले लिया है हमने ढेर सारा तेल, उसे गर्म होने देंगे और उसमें डालेंगे 1 teaspoon ज़ीरा. उस जैसे ही ज़ीरा स्प्लेंटर होने लगे उसमें हम ऐड करेंगे ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग, जो कि है सेकंड थिंग एक्चुअली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो था अराउंड 2 tablespoons. बस सारा कुछ डाल देंगे हमें लगता. उसके बाद ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम विल गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छे से इसे मिक्स करें. उसके बाद हम अपना जो घोल तैयार किया था वो डालेंगे, जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड करेंगे, एंड अगेन इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. उसके बाद हमने इसमें मसाले में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि कोई मसाला वेस्ट नहीं करना है हमें. तो इसमें पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें जाएंगे सारे मसाले जो हमारे किचन के सारे मसाले होते हैं. तो फर्स्टली गोज़ टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर आप अपने अकॉर्डिंगली डाल दीजिए. उसके बाद रेड चिली पाउडर है, हमने अराउंड 2 teaspoon ऐड किया था, या उससे भी कम, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी यूज़ किया है, सो ऐड इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. उसके बाद जाएगा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जो कि था हमारा 2 tablespoons. उसके बाद गरम मसाला जाएगा 2 teaspoon. बस इन सब मसालों को हमने करना है अच्छे से. उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. बस सॉल्ट ऐड कर दें, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम रख दीजिए. उसके बाद इसे अच्छे से भुनने देना, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आपने इसे थोड़े थोड़े देर पर भुनना है ढक्कन को ढककर. बस इतना भुनिए कि आपके बाजुए टूट जाए. ओके, जस्ट किडिंग, मतलब अच्छे से आपको भूनना है. उसके बाद यहाँ पर साइड में हम रेडी कर हो रहे हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए. हमने कढ़ाई में ले लिया है घी, देसी घी है. उसके बाद घी में ऐड करना है आपको ये ग्रेट किए हुए गाजर, बैचेस में ऐड कीजिए या पूरा एक साथ डाल दीजिए, डजेंट मैटर. तो गाजर इसमें हमने पूरा ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे घी के साथ, इसे भूनने देना है. ये देखिए, मेरी मम्मा कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते. उसके बाद घी में अच्छे से भुनने देना, और हाई फ्लेम पर इसे पकने देना है, क्योंकि अभी ये पानी रिलीज़ करेगा एंड इट विल बिकम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स क्वांटिटी. जी, तो बस इसे छोड़ दीजिए लावा रिस की तरह. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मसालों पर. ये देखिए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, और अम्मी ने इसे अच्छे से भून लिया है. तो उसके बाद जब तक ये मसाला हमारा बहुत ही बेशरम है, जब तक ये बेशरम मसाला भुन रहा है और ये हमारी लावारिस गाजर पड़ी हुई है, तब तक पनीर कट कर लेते हैं. ये वाह, देखने में ही मज़ा आ रहा है. हालांकि मुझे पनीर पसंद नहीं है इतना, बट स्टिल देखने में बड़ा मज़ा आता है. सो कट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बाइट साइज में कट कीजिए कैसे भी. तो बस जैसे ही अब ये पनीर कट हो जाए, उसके बाद हम मसालों में ऐड करेंगे ढेर सारी मटर. आप अपने अकॉर्डिंगली मटर ऐड कर दीजिए, और मसालों में इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए.
और यहाँ पर साइड में हमारी गाजर भी हो रही है, उसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हो गई है, इसमें हमने 2 कप के करीब शुगर ऐड किया है, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर लीजिए जितना आपको मीठा पसंद हो। उसके बाद जिस इसमें जाएगा की इंग्रेडिएंट जो हलवे का है, तो उसमें जो मेन फैक्टर जो हलवे को एवन बनाएगा वो है मावा। ये 1/2 kg के करीब मावा है, तो ये सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद इसे तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों अभी वाटर रिलीज़ करेंगे तो ये सब अपने आप एक साथ मिक्स हो ही जाएंगे। तो बस एक अच्छा सा गुड मिक्स दे दीजिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे अपने आप पकने के लिए छोड़ दीजिए, उसे कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इन मसालों में हम डालेंगे पानी अच्छे से मिक्स करके, उसके बाद इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर दीजिए, जिस तरह की से आपको ग्रेवी चाहिए, थिक चाहिए या पतला चाहिए, और सॉल्ट भी ऐड कर लीजिएगा जी। सारे पनीर डाल दीजिए, कंजूसी ना करिए। तो बस उसके बाद हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर और पकने देंगे। उसके बाद हमारा मटर पनीर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, हमारा जो गाजर का हलवा है वो भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें हम ढेर सारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अपने मर्ज़ी से डाल दीजिए। बस इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे खुला छोड़ेंगे, उसके बाद ये पक जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। और बस इसे सर्व करके आप गरम गरम खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी था ये देखिए, मैंने तो इसे सर्व करने का वेट भी नहीं किया, सबसे पहले इसे मैं ही टेस्ट करूँगी, बिकॉज़ आई वॉज क्रेविंग फॉर इट। ये रहा नहीं जाता। तो ये हमारा डिनर भी तैयार है, मटर पनीर, ये दाल और रोटी भी थी, चावल भी था वैसे, बट मैंने शूट नहीं किया। और आई वॉज एंजॉइंग माई डिनर।